हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसके बारे में आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत याद भी किए होंगे और बार बार आप भूल जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कभी कभी मिलता होगा, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 0 डिग्री का मान बताइए, टेन 45 डिग्री का मान बताइए, सेक 45 डिग्री का मान बनाइए बताइए, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न मिलता होगा, लेकिन आप बार बार मान याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो आज के बाद आपके भूलने की समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप यदि आप वीडियो को 7-8 मिनट देख लेते हैं तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिक की मदद से इसके मान को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में समझ जाइए ये क्या लिखा हुआ है और इसको पढ़ दे कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, यहाँ पे 0 है। यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम, तो आपको समझना क्या है, साइन 0 डिग्री का मान इसमें लिखा गया है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 45 है और कौन सा लाइन है, साइन वाला है। तो यहाँ पे समझिएगा कि साइन 45 डिग्री के बारे में लिखा गया, साइन 45 डिग्री का मान है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए कुछ, तो आप क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, यानी ये कौन सा है, कॉट है और इसका कोण क्या है, 45। तक कहेंगे कॉट 45 का मान इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एग्जाम देने गए, वहाँ पर हम लोग भूल गए टेन 45 का मान या साइन 45 का मान, सभी भूल गए, तो कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा चार्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको गिनती तो आता ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट करते हैं 0, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सभी के नीचे क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, सभी के बट्टा में 4 लगा देंगे। इसके बट्टा में 4 लगा दीजिए, इसके बट्टा में भी 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 4 लगा दीजिए। पहला काम क्या था, 0 से लेकर हम लोग को गिनती लिखना था, कितना तक, 4 तक, 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद में दूसरा काम क्या करना है, सभी के हर में यानी बट्टा में 4 लगा देना है, यानी एक शब्द में कहें तो 4 से भाग कर देना है सभी में। ठीक है, उसके बाद में तीसरा काम क्या है, सभी पे रूट लगा देना है, ऐसे सभी पे रूट लगा देंगे, रूट लग गया, बस काम खत्म। अब क्या करना है, इसको हल कर करके इसके सामने सामने लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, रूट के अंदर 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, यानी कहेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। अब आइए सेकेंड वाले को हल करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 और नीचे 4 है तो ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। अब इसको हल कीजिएगा तो 1 का रूट 1 ही होता है, इसका हो जाएगा 2, तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। मान लीजिए हम भूल गए हैं तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, इसके सामने क्या लिखे हैं, 2/4, रूट के अंदर है, रूट के अंदर 2/4, ये तो कट जाएगा दो बार में, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 रूट अंदर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 1/√2, ये निकल जाएगा 1, लेकिन √2 में से नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। ठीक है, इतना समझ गए, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 √4, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे रूट लगाया गया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में क्या करेंगे, √3 तो निकलेगा नहीं, तो √3 का √3 हो जाएगा, और 4 को हम लोग निकाल सकते हैं, 2 निकल जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया। उसके बाद में इसको देखिए, √4/4 है, ये कट के 1 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1 निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। बस एक लाइन जब आप बना लेंगे उसके बाद से सब ये खुद ही बना पाएंगे, देखिए कैसे। अब क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है, इसको लिख दिए 0 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1, लिख दिए। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है साइन 0 डिग्री का मान, तो कहेंगे 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। इतना तो आप निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, ट्रिक की मदद से। कौन सा ट्रिक है, ये ट्रिक है, क्या करना था, पहले क्या करना था, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना था, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 तक लिखना था, 4 तक लिख दिए। ठीक है, आगे क्या करना था, सभी में
चार से भाग करना था, सभी में चार से भाग कर दिए। उसके बाद में सभी को रूट के अंदर डाल देना था और सॉल्व करके हम लोग लिख दिए, हो गया। अब कॉस का मान लिखना है तो क्या करेंगे, इसके लास्ट में जाएंगे और लाइन से लिखते चले जाएंगे, उलट कर लिख देना, यानी इसका उल्टा कर देना है। देखिए यहाँ पे एक है तो पहले यहाँ पे एक लिख देंगे, उसके बाद क्या है रूट तीन बट्टा दो है तो रूट तीन बट्टा दो को लिख देंगे। इसके बाद इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, अब इसको लिखेंगे, इसमें दोनों का मान एक ही होता है, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी लिख लिए, अब ये बचा एक बट्टा दो, इसमें लिख देंगे, और ये बचा क्या जीरो बचा यहाँ पे, तो अब जीरो को लिख देंगे, हो गया। कॉस का मान निकल दे, क्या देख लीजिए, याद करने का कोई झंझट ही नहीं है। क्या करना है, पहला वाला याद हो गया, ये अपरूपी लिख लेंगे, पहला वाला निकालना सीख गए, दूसरा अपरूपी लिख लेंगे, बस हो गया। अब कहेंगे तो आप बताइए अब टेन को कैसे बनाएंगे, तो टेन के लिए देखिए, टेन के लिए क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और टेन का भी आप लोग निकाल लेंगे कैसे। तो देखिए टेन का होता है साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे। आप कहेंगे नहीं आप तो बताए थे टेन थीटा का होता है पी बट्टा बी, ठीक है। अच्छा तो चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं, टेन थीटा बराबर ये लिखे हैं तो आपको लग रहा है कि गलत लिख दिए हैं कहीं, देखिए इसको हम लोग सिद्ध करके दिखा देते हैं। साइन थीटा यहाँ पे क्या है, भागा का चिन्ह दे सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है पी बट्टा एच, भागा कॉस थीटा का बी बट्टा एच, पी बट्टा एच गुना एच बट्टा बी, इससे इससे कट गया पी बट्टा बी आ गया, तो वहीं तो लिखे हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बढ़ गए हैं ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा दें, यदि आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसको। अब हम लोग आगे कार्य करेंगे, तो आप तो समझ गए कि टेन थीटा के बदले में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, या उसको भाग के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए साइन जीरो डिग्री को, सॉरी टेन जीरो डिग्री का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन जीरो डिग्री का मान लिख देंगे, साइन जीरो डिग्री बट्टा में कॉस जीरो डिग्री लिख सकते हैं टेन जीरो डिग्री के मान में। अब यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे एक, जीरो में एक से भाग करेंगे तो क्या होगा जीरो ही मिलेगा, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा निकालना है हम लोग को, टेन तीस डिग्री, टेन तीस डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन तीस डिग्री बट्टा कॉस तीस डिग्री, तो देखिए साइन तीस डिग्री का मान कितना है एक बट्टा दो लिख देंगे, एक बट्टा दो, कॉस तीस डिग्री का मान कितना है रूट तीन बट्टा दो, इससे ये कट जाएगा आगे कितना एक बट्टा रूट तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बट्टा रूट तीन, हो गया। अब लिखना हो टेन पैंतालीस डिग्री का, तो साइन पैंतालीस कॉस पैंतालीस से भाग कर देंगे, साइन पैंतालीस का मान कितना है एक बट्टा रूट दो, इसमें भाग कर देंगे एक बट्टा रूट दो से, रूट दो से रूट दो कट तीस, एक एक बचेगा यहाँ पे, एक आ जाएगा आंसर। आप मिला सकते हैं पाई चार्ट जो आपके बुक में दिया होगा, देखिएगा थोड़ा सा भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद कर सकते हैं, यदि आप बार बार भूल जाते हैं तो इन ट्रिकों को अपनाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। आइए अब देखते हैं इसको, इसको कैसे बनाएंगे, इसको मिटा सकते हैं। चलिए अब क्या करना हम लोग को लिखना है, टेन साठ डिग्री, टेन साठ डिग्री के लिए क्या करेंगे, साइन साठ डिग्री का मान कितना है रूट तीन बट्टा दो, और इसका मान कितना है एक बट्टा दो, दो से दो कट जाएगा बचेगा कितना केवल रूट तीन बचेगा। आप कहिएगा बहुत जल्दी आप कटा दे रहे हैं, कैसे कटा दे रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी समझाइए। तो आइए आपको भी समझा देते हैं कैसे कटा रहे हैं, यदि आप मैथ थोड़ा सा जानते होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे लिखे थे क्या एक बट्टा दो, इसका मतलब क्या होता है भागा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट तीन बट्टा दो भागा एक बट्टा दो, नीचे दिया गया है इसको लिख दिए हैं। उसके बाद में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट तीन बट्टा दो, यहाँ पे गुना होगा दो ऊपर चला जाएगा दो नीचे एक, दो से दो कट्टीस बचेगा रूट तीन बट्टा एक, तो देखिए नीचे एक हम लोग नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक बट्टा जीरो हो जाएगा साइन नब्बे बट्टा कॉस नब्बे का मान। अब ये जीरो से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो आता है अनंत यानी अपरिभाषित, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित। ये क्या लिखा गया है, अपरिभाषित है, संकेत में लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखते तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है इसको, इसलिए यहाँ पे संकेत में लिख दिए हैं अपरिभाषित। बस इतना काम कंप्लीट, आगे सब कंप्लीट।
अब चलिए आगे देखिए, अगले जो दिया गया है उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। बस केवल आपको साइन थीटा का मान पता करना था ट्रिक की मदद से, उसके बाद में कॉस को आप पलट कर लिख दीजिएगा, हो गया। टैन को बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में भाग कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद में देखिए कॉसिक जो होता है, कॉसिक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा होता है, यानी साइन का उल्टा। ठीक है, कॉसिक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी पलट देंगे साइन थीटा को, पलट देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, P/h, और कॉस थीटा का कॉस नहीं कॉसिक, कॉसिक थीटा का मान क्या होता है, H/p, यानी इसका उल्टा हो गया। तब क्या करेंगे, कॉसिक थीटा का मान निकला है, साइन का उल्टा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 दिया है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वो आ जाता है अपरिभाषित। उसके बाद क्या करेंगे, कॉसिक 30 डिग्री का मान निकलना है, इसको पलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 पलट जाएगा, 2/1, यानी नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो केवल 2 लिखेंगे। अब आइए इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2/1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो इसको छोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ पे आएंगे, कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 1/1 होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 भी लिखा लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया तो 1 है, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, जो सेक होता है वह कॉस का उल्टा होता है, ये आपको पता होगा। जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होता है, 1/cos थीटा का बराबर होता है, उल्टा होता है, यानी उसको पलट देना है। अब सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना दिया है, इसको पलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो इसको पलटेंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा, √2, नीचे आ जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं तो इतना ही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो इसको भी पलट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, नीचे आएगा 1, तो नीचे 1 को नहीं लिखते हैं तो इसको ख़त्म करिए। अब ये हो गया 0, 0 को पलटिएगा, 0/1 लिखा गया है, लिखा गया है। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो गया अपरिभाषित। 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका मान नहीं निकाल पाते हैं हम लोग, इसीलिए ये हो जाता है अपरिभाषित, यानी इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आइए कॉट, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन को उलट कर लिख दीजिए, कॉट जो होता है वो होता है 1/tan थीटा के बराबर, यहाँ पर थीटा लगा दीजिएगा, उल्टा होता है, पलट दीजिए टैन थीटा को, 0 है, 0 को पलटेंगे तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है तो √3 हो जाएगा, ये पलटेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे देखिए ये अपरिभाषित है, इसको पलटेंगे 1/अनंत, ये भी अपरिभाषित ही हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, या यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।